केंद्रीय मंत्री कृषि एवं फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएलके पीजी कॉलेज में मतदाताओं के साथ संवाद किया तथा कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने युवा मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य है, उन्हें देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश मोटे अनाज की उत्पादकता में अग्रणी है। प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज की उत्पादकता में विशेष ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में देश में मोटे अनाज की उत्पादकता में प्रति हेतु प्रचार प्रसार कराए जाएंगे। गरीब किसानों के स्तर को ऊपर लाना है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, जिसका लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। सरकार आम जनमानस के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में सुधार कर रही है। भारत देश का आने वाला भविष्य विकसित देश में हो, ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में अनियमितताओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होगी। यहाँ के विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिने जाएंगे। इस दौरान पीए केंद्रीय मंत्री अविनाश आर्य, भाजपा चुनाव अध्यक्ष प्रदीप सिंह, विधायक सदर पलटूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, पूर्व विधायक शैलेश कुमार शैलू, स्कूल के प्राचार्य जेपी पांडे, अन्य पदाधिकारीगण, मतदाता व स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यूपी के बलरामपुर से संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी की खास रिपोर्ट। जनता पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा श्रावस्ती लोकसभा में आना हुआ है। परसों में आया था, आज अंतिम दिन है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के, जनता के, बुद्धिजीवियों के, छात्रों के अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसके लिए मैं श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जिले की इकाई के अपने पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश राज्य प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर विगत वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो काम किया गया है वो निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। ठीक पूर्वांचल देवरिया से लेकर और बुंदेलखंड के झांसी जिले तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ है। चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे गंगा जी के किनारे नेचुरल फार्मिंग का मामला हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मामला हो, चाहे केसीसी अभियान की सफलता हो, चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ दिलाने का मामला हो, चाहे गेहूं, धान और हॉर्टिकल्चर की फसलों के उत्पादन का मामला हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान हासिल किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बैंक्स ने मंजूर किए, जिसमें एक प्रोजेक्ट बलरामपुर का भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के तो अनेक प्रोजेक्ट हैं, लेकिन लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने और युवाओं को कृषि से संबंधित अधोसंरचना में रोजगार के अवसर प्राप्त हों, और इस दृष्टि से यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण और कारगर आने वाले कल में सिद्ध होने वाला है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4-5 लाख करोड़ रुपया किसान को फसल ऋण मिलता था, मोदी जी ने उसको बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया किया है और इससे भी किसान की जो साहूकारी पर निर्भरता थी वो निश्चित रूप से कम हुई है। हमारे यहाँ छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, छोटे किसानों की ताकत बढ़े, उसकी फसल उगाने में लागत कम हो, वो महंगी फसलों की ओर जा सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, इसलिए देश भर में 10,000 नए FPO बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। ये FPO का कार्यक्रम किसानी के क्षेत्र में गरीब किसान की आमदनी बढ़ाने के भी काम आएगा और गरीब किसान के बेटे बेटियों को रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तेलन के लिए हम सभी लोग अभी इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की लागत से अभी ऑयल पाम मिशन बनाया है। तेलन मिशन पर तो हम लोग काम कर ही रहे थे, सरसों है, अलसी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, लेकिन ऑयल पाम जो हम इंपोर्ट करते हैं खाने के तेल में, देश भर में अगर हम देखें तो 56% हिस्सा पाम ऑयल का ही, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ऑयल पाम की खेती को हम अपने देश में बढ़ाएं और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन बनाया है। हमारे देश में लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें पाम ऑयल की खेती हो सकती है, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में इसकी अनुकूलता है।